हेलो गाइस, सब्सक्राइब टू रैप कान एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रैप कान। तो गाइस, 47 दिल्ली बेस्ड रैपर 47 का नया ट्रैक आ गया है जिसका नाम है कर दिया। और ये ट्रैक असली इंडिपेंडेंट ईपी का पहला ट्रैक है। और गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है 47 की तरफ से। अगर आपने राज जोन्स और 47 का इंटरव्यू नहीं देखा है, पहले के जो ट्रैक्स होते थे 47 के, वो ऐसे लिखते थे कि ऑडियंस अपने से रिलेट कर पाए। लेकिन अब के जो ट्रैक्स आएंगे असली इंडिपेंडेंट ईपी में, उसमें वो अपनी कहानियाँ लिखेंगे, अपने स्ट्रगल के बारे में लिखेंगे। तो गाइस, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इस ट्रैक कर दिया का म्यूज़िक प्रोडक्शन एंड कंपोजिशन सब 47 ने किया है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हियर वी गो। यह कलमकार प्रेजेंट्स। हॉबी मेरी म्यूजिक लिखा मैंने मेरे सीवी पे। 8 साल मेट्रो में गुड़गांव से कश्मीरी गेट, साथ वाले कहते थे अनाड़ी है। आज इनके करियर से ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, देख 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 मैंने। घरों में बातें बस सड़क की थी, अपने को ठहर रखती तरक्की की, सोया नहीं तभी मुझे सोने के दाम मिले, शोकरा 10,000 लौंडे उछाल दिए, छक्के मारे मारे लपे बहुत, स्टेडियम के बाहर खड़ी डब्बे बॉल, हिटरों को दे दी मैंने कट्ठे मौत, कर दिए सबके हिट अड्डे शॉट। साल की कमाई पिछले 10 के बराबर, जहां मौका मिला ले ली सबकी कस के बराबर। पिछले साल सोचता था कैसे गैस में बचाऊं, इस साल दिक्कत मेरी कैसे टैक्स में बचाऊं। जैसे कि अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसमें जितने भी सब कुछ इन्होंने बातें कही हैं, सब अपने बारे में कही हैं। इससे पहले जितने भी ट्रैक्स आते थे, सब में ये जो ऑडियंस सुनना चाहती है उस चीज़ को लिखते थे, जो चीज़ रिलेट कर पाए ऑडियंस उस चीज़ को लिखते थे। लेकिन इस बार अपनी कहानी लिखी, अपने बारे में लिखा है और क्या स्ट्रगल और वो क्या फेस करते हैं उसके बारे में। अब आगे के जितने ट्रैक है, इस सब में वो अपने बारे में ही कहेंगे। जैसे कि मैंने राज जोन्स का इंटरव्यू देखा, तो वहाँ से 47 के मुँह से ही ये सब बातें पता चली हैं। तो गाइस, ये ट्रैक मेरे को काफ़ी पसंद आया। वैसे तो 47 के ट्रैक्स में जनरली हार्डकोर जो हमारे दिल्ली वाले स्लैंग्स होते हैं वो रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम है। लेकिन बाकी पहले के ट्रैक्स में बोलो तो बहुत दिल्ली वाले स्लैंग्स रहते हैं, उसमें काफ़ी मज़ा आता है। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये ट्रैक, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो।